असल गाइस उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे द टॉपिक ऑफ़ अवर टूडेज़ प्रेजेंटेशन इज़ वॉट इज़ एबिन घोस ऑफ फॉरगेटिंग एबिन कर्व ऑफ फॉरगेटिंग को सिंपली कर्व ऑफ फॉरगेटिंग भी कहा जाता है पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दी स्टडीज़ मेड बाई दाइकोलॉजिस्ट एबिन घोस इन एटीन एटी फाइव ही हमसेल्फ़ वर्कड एज अ सब्जेक्ट फॉर द स्टडीज़ एंड डिस्क्राइबड हिज रिजल्ट बाई स्केचिंग अ करव ऑफ फॉर गेटिंग एक साइकोलॉजिस्ट थे एबिन घोस उन्होंने एटीन एटी फाइव में एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की थी और उसमें जो सब्जेक्ट थे वो एबिन घोस खुद ही एज अ सब्जेक्ट जो थे वो काम कर रहे थे और इन्होंने अपने जो रिजल्ट हैं वो एक कर्व स्केच किया था उस कर्व में इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्क्राइब किए थे अब इनके एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं ही वॉज मेमोराइज अ लिस्ट ऑफ़ हिज नॉन सिलेबल्स एंड देन टेस्ट हिमसेल्फ एट इंटरवल्स फ्रॉम ट्वेंटी मिनट्स टू अ मंथ टू सी हाउ मच ऑफ द लिस्ट ही रिमेंबर्ड एबिन घोस ने लिस्ट ऑफ नॉन सिलेबल वर्ड्स नॉन सिलेबल वर्ड्स वो होते हैं जिसमें आपका एक वर्ड जो है वो थ्री लेटर्स पर कॉम्प्राइज होता है तो एबिन घोस ने एक लिस्ट थी नॉन सिलेबल वर्ड्स की उन्होंने उसको रिमेम्बर किया था याद किया था और फिर उन्होंने एक इंटरवल सेट किया हुआ था ट्वेंटी मिनट्स से लेके उन्होंने थर्टी वन डेज़ तक का तो ये इंटरवल था जिसमें वो रोज़ देखते थे कि कितना रेट ऑफ फॉरगेटिंग किस तरह जो है हमारा वर्क करता है ठीक है तो इन्होंने जो लिस्ट ऑफ़ नॉन सिलेबल वर्ड्स जो रिमेंबर किए थे उसको रिमेंबर करने के बाद ट्वेंटी मिनट्स के बाद उन्होंने देखा कि मुझे कितने अभी तक याद है मींस जितने मैंने याद किए थे क्या वो मुझे अभी तक रिमेंबर है क्या मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ या मैं उसको भूल चुका हूँ द रिज़ल्ट इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्डर जो रिज़ल्ट है उनके एक्सपेरिमेंट का वो कुछ इस तरह है एक कॉलम में आपको दिया हुआ है टाइम लैप्स्ड कि कितना टाइम गुजरता गया और अमाउंट फॉर और वो कितना भूलते गए ट्वेंटी मिनट्स के बाद जब एबिन घोस ने देखा इसको तो रिकॉल करने की कोशिश की अपने नॉन सिलेबल वर्ड्स को तो सेवन परसेंट वो भूल चुके थे फिर वन डे के बाद जब उन्होंने रिकॉल करने के लिए ट्राई किया तो सिक्सटी सिक्स परसेंट वो भूल चुके थे उन वर्ड्स को टू डेज़ बाद किया तो सेवेंटी टू परसेंट सिक्स डेज़ बाद किया तो सेवेंटी फाइव परसेंट रेट था और थर्टी वन डेज़ बाद जब उन्होंने उन नॉन सिलेबल वर्ड्स को रिमेंबर करने की कोशिश की तो वो सेवेंटी नाइन परसेंट उन वर्ड्स को भूल चुके थे सो so, इस तरह ये जो है रिज़ल्ट इन्होंने इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से है इसके बाद इन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया था जिसमें इन्होंने अपने ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको डिस्क्राइब किया है हॉरिजोंटल लाइन पे आपको टाइम गिवन है और वर्टिकल में आपको परसेंट ऑफ फॉरगटन कितनी परसेंट वो भूलते जा रहे थे सो फर्स्ट डे पे वो फोर्टी टू फिफ्टी के मिड में आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा सो so, ये उनकी परसेंटेज था मींस इतना वो भूल चुके थे फोर्टी फाइव अराउंड 45 फाइव परसेंट वो फर्स्ट डे पे वो भूल चुके थे उन लिस्ट ऑफ़ नॉन सिलेबल वर्ड्स को फिर सेकेंड डे पे सिक्सटी और सेवेंटी के राउंड अमाउंट था और फिर थर्टी फर्स्ट डे पे जब देखा गया तो वो एटी परसेंट जो था वो उन नॉन सिलेबल वर्ड्स को फॉरगेट कर चुके थे मींस भूल चुके थे सो so ये था इनका कर्ब ऑफ फॉरगेटिंग अब उन्होंने क्या कंक्लूड किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से ही कंक्लूड दैट अमाउंट ऑफ लर्न मटेरियल फॉरगोटन डिपेंड्स अपॉन द टाइम लैप्स आफ्टर लर्निंग हम जो भी चीज़ लर्न करते हैं उस चीज़ को लर्न करने के बाद हम उसको भूल जाते हैं ये आपका किस पे डिपेंड कर रहा है ये आपका टाइम पे डिपेंड करता है जैसे जितना टाइम गुजरता जाएगा आप उस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे तो आप उस चीज़ को भूल जाओगे जैसे कि एबिन घोस ने अपने एक्सपेरिमेंट में हमें डिस्क्राइब किया विद दी हेल्प ऑफ कर सेकेंड उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज़ वेरी रेपिड एट फर्स्ट जब आप लर्न करते हो उसके बाद जो रेट ऑफ फॉरगेटिंग है वो उसका जो रेट होता है वो रैपिड होता है मीन स्टार्टिंग में आप जल्दी बहुत तेज़ी से आप जो चीज़ आपने लर्न की हुई है उसको भूल रहे होते हो एंड द ग्रेजुअली डिमिनिश प्रोपोर्शनेटली एज द इंटरवल लेंथेंस और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपने जो चीज़ लर्न की हुई है वो बिल्कुल ही आपके माइंड से डिमिनिश हो जाती है जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता रहेगा जैसे कि थर्टी वन डेज के बाद क्या हुआ वो जो ने लिस्ट जो लिस्ट ऑफ नॉन सिलेबल वर्ड्स जो रिमेंबर किए थे वो एट्टी परसेंट उस चीज़ को भूल चुके थे सो दैट वॉज अबाउट द कन्क्लूजन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज